दुनिया में शादी को लेकर कई रस्में और परंपराएं प्रचलित हैं, जहां शादी के बाद लड़की की विदाई की जाती है और वो बड़े ही इज्जत के साथ अपने ससुराल जाती है, तो कहीं दो शादी अनिवार्य है और कहीं ऐसी विभत्स परंपरा है कि जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। कहीं कहीं ये परंपराएं अपने ही रिश्तों को शर्मसार करती नजर आती हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां पर लड़कियां बचपन से ही अपने बाप के साथ शादी करने का सपना देखती हैं। जी हां दोस्तों, आज हम आपको अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के कुछ ऐसे शर्मनाक रीति रिवाजों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश, जो कि हिंदुस्तान के रहमो करम पर जीवित है, वो आखिर इतना गंदा और शर्मनाक काम कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश के ये शर्मनाक राज खोलने से पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। उससे पहले भारत देश के प्रांत बंगाल का बड़ा हिस्सा, जो आजादी के बाद पाकिस्तान के तौर पर भारत से अलग हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बना। फिर 1971 के बंगला मुक्ति संग्राम के पश्चात भारत के सहयोग से अलग राष्ट्र बना। आज बांग्लादेश दुनिया का 8वां सर्वाधिक आबादी वाला देश है। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश है, पर ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा है। बंगाल देश में 5 साल के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहां कोई भी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। बांग्लादेश क्षेत्रफल के मामले में भले ही छोटा हो, पर आबादी के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश के प्रति वर्ग किलोमीटर 3000 लोगों की औसत आबादी रहती है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में 15 लाख से अधिक लोगों को मौत के गले लगना पड़ा था। बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 को अपनी आजादी की घोषणा की, जो 16 दिसंबर 1971 को मिली। बांग्लादेश ने 4 नवंबर 1972 को अपना संविधान अंगीकार किया। दोस्तों, बांग्लादेश में एक ऐसा गांव है जहां मंडी जनजाति की लड़कियां अपने ही पिता से शादी करती हैं। वो बचपन से ही पिता से शादी करने के सपने देखती हैं, क्योंकि इस जाति में लड़कियों को अपने पिता से शादी करने की एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इसी जनजाति की एक और अरोला नाम की लड़की का कहना है कि जब वो बहुत छोटी थी, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तब उसकी माँ की दूसरी शादी हो गई थी। तब से वह अपने दूसरे पिता को अपने पति के रूप में देखने लगी थी। और वहीं अगर किसी महिला के पति की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, तो उस महिला को अपने पति के परिवार के किसी भी आदमी से शादी करनी पड़ती है। माना जाता है कि कम उम्र का पति नई पत्नी और उसकी बेटी दोनों की सुरक्षा कर सकता है। वहीं इस समय अरोला के अपने पिता से 3 बच्चे हैं और उसकी मां को 2 बच्चे हैं। भारत और बांग्लादेश में मंडी जनजाति के करीब 20 लाख लोग रहते हैं। इस समुदाय के लोगों को गारो के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार बीच दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। बांग्लादेश में घूमने का सही समय अक्टूबर से मार्च तक है। बांग्लादेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जहाँ अक्टूबर से मार्च तक जाड़े का मौसम होता है। मार्च से जून तक उमस भरी गर्मी होती है और मार्च से जून तक मानसून के मौसम की बारिश होती है। 26 मार्च को प्रत्येक वर्ष यह देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस दिन यहाँ राष्ट्रीय अवकाश होता है। 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई है और मुक्ति युद्ध शुरू कर दिया गया था। इसमें बांग्लादेश को भारत का साथ मिला और बांग्लादेश अंततः आजाद हुआ। इस आंदोलन तथा इसके शहीदों की स्मृति में ढाका मेडिकल कॉलेज के निकट शहीद मीनार का निर्माण किया गया। बांग्लादेश में अपनी मूल भाषा के रूप में 98% से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी का व्यापक रूप से उच्च शिक्षा और कानूनी प्रणाली में इस्तेमाल होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित यह देश हर साल मौसम की मार झेलता है। यहाँ तूफानों से तबाही आम बात हो चली है। पद्या नदी बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी है। बांग्लादेश की 80% आबादी किसान है, जो खेती पर निर्भर है। बांग्लादेश कपड़ों के निर्यात से सर्वाधिक आमदनी प्राप्त करता है। बांग्लादेश के लोग कम मुस्कुराते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। रॉयल बंगाल टाइगर 3 किलोमीटर दूरी से ही किसी की भी मौजूदगी भांप लेता है। लिली यहां का राष्ट्रीय पुष्प है। कटहल बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमन सोनार बंगला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी रचना को 1 से अधिक देशों, क्रमशः भारत और बांग्लादेश में राष्ट्रीय गान का दर्जा प्राप्त है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में 2 रंग हैं, हरा और लाल। बांग्लादेश की राष्ट्रीय ध्वज में शामिल हरा रंग बांग्लादेश की हरी भरी फिजा का द्योतक है, तो लाल रंग आजादी की लड़ाई में अपना लहू बहाने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि देता है। बांग्लादेश का सबसे पुराना शहर महास्थानगढ़ है। सबसे पहले संगठित रूप से इसी शहर में लोग बसे थे। बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी भाग स्थित सियालहट भी काफी पुराना शहर है, जहां तमाम धरोहर है।